प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस है और ऐसे में कई भाजपाई नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही स्टेट के कई अलग अलग स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं, बधाइयों का तांता लग गया है। कई लोग अपने अपने कार्यालय में भाजपाई नेता जो हैं वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे में जो भाजपा नेता हर्ष अजमेरा है, आप देखेंगे स्पेशल चाइल्ड्स के साथ जो है खाना पिलाना, केक कटिंग और जो स्टेशनरी के लिए उनके लिए जो सामान है जरूरी वो सभी बांट रहे हैं। सबसे पहले जो उनसे जुड़ेंगे, अच्छा केक वेक कटिंग किया आपने, कहीं और भी कार्यालय वगैरह में मना सकते थे, ऐसा क्या दिमाग में आया कि स्पेशल चाइल्ड्स के साथ जो है वो सेलिब्रेट करें? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का शुरू से एक सेवा भाव का रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं, लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके जैसा हम भी बनना चाहते हैं, उनके जैसा बनने के लिए हम लोग ये मुहिम छेड़ रहे हैं। उनके बर्थडे में हर साल हम लोग यहाँ आना जाना करते हैं, पर उनके बर्थडे में जो बच्चे, पूरा देश जब बर्थडे बना रहा है, हर मंत्रिमंडल जितने लोग हैं बर्थडे बना रहे हैं उनके जन्मदिन के दिन, तो हम क्यों नहीं इन ऐसे बच्चों को साथ बर्थडे बनाएं जो हमेशा बर्थडे के लिए रहने, मतलब अच्छे खाने पीने के लिए हम लोग के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ भी एक बराबर का सिमिलर का हम लोग सिमिलरिटी के साथ उनके साथ बर्थडे बना के उनको आगे बढ़ाने का मनोबल करें, उसी के लिए हम लोग ये एक प्रयास किए। किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बधाई देना चाहते हैं ये बताएं? बधाइयां तो देखिए, यहाँ जितने बच्चे हैं उनके आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़ेंगे, है ना, उनके आशीर्वाद उनको लगे, उनका दीर्घायु रहे, वो आगे बढ़ते रहे और देश का ऐसे ही सेवा करते रहे। बस इन्हीं कामनाएं के साथ हमने ये आज संकल्प लिया कि इन बच्चों के साथ आज ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके बच्चों के देखिए खुशियां चेहरों में, और इनसे पूछिए आज किनका बर्थडे है, बच्चे जो आप बोलते हैं कि मानसिक रूप से थोड़े कमजोर है, आज ये बताएंगे आपको मेरे माध्यम से, नहीं आप उस बच्चे से आ जाओ, सजा आओ, सजा आओ, आओ अब आप आज इनसे पूछिए कि आज किनका जन्मदिन है, क्या है आज किनका जन्मदिन है? मोदी बर्थडे। किनका बर्थडे? किनका बर्थडे है? मोदी जी का ना। हाँ। देखिए आप देख सकते हैं इनमें कितना खुशी होगा, आप यहाँ देखिए ये बोलेंगे। खुशी को आप जाहिर नहीं कर सके कि जिस तरीका से इन बच्चों में जो खुशी और इनको जो अच्छा लग रहा है उसको बस उनके बच्चे जिस तरह से परिवार से दूर रहते हैं या जो माता पिता उनको यहाँ इस तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरह से ये परिवार की तरह साथ में जो दीदी लोग हैं उधर, दादी लोग हैं सब, और सही में माँ बाप ने पैदा किया, पर जो दीदी लोग इनका सेवा कर रही है, भाई जी लोग जो यहाँ पर है जो इनका सेवा करते हैं, सही में आज धरती के रूप में यही माँ बाप है इनके, और इनके साथ देखिए इनको खुशी जिस तरीका से रखते हैं, जितना तरीका से जितने अच्छे से रखते हैं, आप देखेंगे एक परिवार के जैसा है, और यहाँ आने से आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एक परिवार के बाहर हैं, एक परिवार के माहौल में रहते हैं यहाँ पर। और बाकी ये देखिए लक्ष्मी जी हैं, ये बताएंगे अब लक्ष्मी बहन है, और यहाँ के वार्डन जो है भाई साहब, आइए भैया वार्डन साहब से आप बाकी इनका जानकारी लीजिए, इनको भी बहुत सारी चीजें यहाँ पता है, और इनको पता है कि कैसे यहाँ बच्चे रहते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, सब सारी बाकी जानकारी इनसे मिली। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और ऐसे में जो है शुरुआत हुई केक कटिंग से, जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है यहाँ के, आप देखेंगे तस्वीरों में, और उसके बाद साथ में हर्ष जी के खाना पीना हुआ, और उसके बाद अपने हाथों से बांट करके, और कुछ बच्चे रूठ गए हैं, उनको काफी प्रेम पूर्वक जो है मना करके, थोड़े ऐसे हैं, शुभम हमारे लिए चलो, है ना, वेरी गुड, रखो चलो खाना खाया, चलो खाना खिलाओ इनको जी, खाना खाओगे ना, चलो आ जाओ। इस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है जन्मदिन हर्ष जी मना रहे हैं। ऐसे में अब जब स्पेशल चाइल्ड्स के पास हम लोग आए हैं, तो यहाँ के जो वार्डन हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। क्या आपका पूरा नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार सिन्हा हुआ, हम इस संस्था के सेक्रेटरी हुए। जिस तरह से बच्चों को यहाँ माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार की भांति यहाँ पे बच्चे जो है रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और ग्रोथ हो रहा है उनका, जिस तरह से क्या बोलना चाहेंगे, कितने अच्छे बच्चे हैं ये लोग? देखिए बच्चे तो ये इनको बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को हैंडल करना, लेकिन ये एक्चुअली मानसिक दिव्यांग होते हैं, तो सब कुछ अपना अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो कुछ हम लोग कोशिश, हम लोग के प्रयास से ये लोग कुछ सीख पाते हैं, तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि ये जो बच्चे हैं वो अपना काम, अपना कार्य अपना स्वयं से कर सके, हम इनको कुछ खड़ा कर सके, वो समाज में उनको लगे कि हम ऐसे दिव्यांग नहीं है जो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हम लोग का संस्था का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके, इन लोग को ऐसे बच्चे जो है, जो जिनका 8-10 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं, वो तो उन बच्चों का आज से नहीं, हमारे यहाँ करीब 8-10 साल से ऐसे ऐसे बच्चे लोग रह रहे हैं जिनका कोई माता पिता कभी आज तक लेने नहीं आए इनको, तो
टोटल कितने बच्चे? आप इमोशनल हो रहे हैं, देख रहे हैं आप बता रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ 25 बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो जगह के अभाव से थोड़ा सा कमी है। अगर मैं जिला प्रशासन के मैंने आपके माध्यम से जिला प्रशासन को बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एक दो रूम बना दिया जाए तो हम लोग के बच्चों को बढ़ा सकेंगे और उसमें और बच्चों को हम लोग सेवा दे सकेंगे उसमें। बच्चे जो है टीवी की मांग कर रहे हैं, देखेंगे आप इस तरफ। सबको मोदी जी के जन्मदिन पे हमारी तरफ से आप लोग के लिए टीवी, ठीक है? क्या टीवी तो बच्चों के चेहरों पे जो है खुशी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। बच्चों ने टीवी की मांग करी है जो युवा नेता भाजपा नेता हर्षद मेहरा है उनसे, और साथ ही साथ जो है जो भी और मांग कर रहे हैं हर्षद मेहरा वादा करके जा रहे हैं कि उनको टीवी देंगे ताकि वो जो है एंटरटेनमेंट भी अपना कर सकें। और जैसा कि यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने बताया कि किस तरह से उनको सिखाने पर बच्चे सीख जाते हैं, जिनको सालों साल तक जो है उनके माँ बाप देखने नहीं आते, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ छोड़ के जाया जाता है। ऐसे 25 बच्चे लगभग यहाँ पे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, कैसी लगी ये इमोशनल वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।